सचिन वजे को लेकर एक अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि सचिन वजे जो है इस टाइम जुडिशियल कस्टडी में है, तलोजा जेल में। तलोजा जेल में वो बंद है और वहाँ से पर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है सीबीआई के द्वारा। मतलब सीबीआई उससे लगातार उसका स्टेटमेंट ले रही है, जब भी ज़रूरत पड़ती है उनकी तरफ से पूछताछ की जाती है उससे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा जो मास्टरमाइंड जो गेम खेला गया था सचिन वजे के द्वारा, आखिरकार वो फ्लॉप कैसे हो गया, वो आखिरकार पकड़ा कैसे गया, तो इन सब चीज़ों को लेकर एनआईए की तरफ से एक बड़ी अपडेट दी गई, जिसमें बताया गया इसमें सबसे बड़ा जो एक मेन एविडेंस मिला था जो एटीएस की टीम को मिला था। एनआईए ने जो है पूरा क्रेडिट खुद को नहीं दिया है बल्कि एटीएस की टीम को भी दिया है। उनकी तरफ से सीधा सीधा बोला है कि एटीएस ने भी अच्छा काम किया था, मतलब महाराष्ट्र की जो एटीएस टीम है उन्होंने भी अच्छा काम किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम ने जो है एक महिला ने जो है सचिन वजे को फ़ोन किया था, सचिन वजे को एक व्हाट्सएप कॉल किया था और उस व्हाट्सएप कॉल की वजह से ही ये सारे के सारे एविडेंस जो है सचिन वजे के खिलाफ मिल पाए। और साथ में ही इसमें जो मेन कल्प्रिट हैं, जो मेन कातिल थे, वो भी पकड़े गए। क्योंकि सचिन वजे जो है बहुत अच्छे से गेम खेल रहा था, वो पूरी प्लानिंग के साथ में एनआईए को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही एटीएस की टीम ने जो है छानबीन कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी एटीएस ने इस महिला को अरेस्ट नहीं किया था। और ये इसका जो इस महिला का जो नाम है वो मीना जॉर्ज है, जिसको एनआईए ने बाद में अरेस्ट किया। तो अभी जो एक अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मीना जॉर्ज ने सचिन वजे को एक व्हाट्सएप कॉल किया था और उसी व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस करने पे जो एटीएस की टीम ने जब इस कॉल को ट्रेस किया तो पता चला कि ये कॉल जो है गुजरात का नंबर है, मतलब ये नंबर जो है ये गुजरात से ख़रीदा गया है। तो वहाँ पर जब इस सिम को जाके देखा गया, उसको ट्रेस किया गया, तो उस गुजरात के नंबर जहाँ से इसको ख़रीदा गया था वहाँ से पता चला कि ये जो एक बुकी अरेस्ट किया गया है, जो कि मनसुख हिरेन मर्डर केस में एक बुकी अरेस्ट किया गया है, उसने ख़रीदा था। वो टोटल 14 सिम उसने ख़रीदी थी, टोटल 14 सिम खरीदी थी, और उसमें से एक सिम जो है उसने मीना जॉर्ज को दिया था, सचिन वजे को दिया था, साथ में ही विनायक सिंधे को दिया था। मतलब जितने इसमें शामिल थे सारे के सारे लोगों को एक एक सिम दी गई थी। और उसी सिम से जो है मीना जॉर्ज ने फ़ोन किया था और उसी सिम की वजह से जो है एटीएस की टीम ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे सारे एविडेंस जो है एटीएस को मिल गए। लेकिन एटीएस को सारे एविडेंस मिलने के बावजूद भी एटीएस ने मीना जॉर्ज को अरेस्ट नहीं किया था। लेकिन जब वही सारे एविडेंस जो हैंड ओवर कर दिए गए एनआईए को, तो एनआईए ने जब छानबीन करना स्टार्ट किया और साथ में ही जब सचिन वजे से पूछताछ करना स्टार्ट कर दिया था, तो तब भी जो है सचिन वजे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही मीना जॉर्ज अरेस्ट हुई उसके बाद सारा का सारा खुलासा होना स्टार्ट हो गया और तब उसके बाद सचिन वजे भी पूरी तरह से टूट गया और उसने भी सारा का सारा चीज़ एक्सेप्ट कर लिया। और मीना जॉर्ज ने वही एक लेडी है जिसने कि सारा बड़ा बड़ा खुलासा, जितना भी ज़रूरी चाहिए एविडेंस चाहिए थे, वो सारे के सारे एविडेंस मीना जॉर्ज ने ही दिए। जो मीठी नदी में जो सबूत मिले थे, जो एविडेंस मिले थे, वो एक मीना जॉर्ज ही है जिसकी वजह से सारा का सारा एविडेंस जो मीठी नदी में जो छानबीन करने एनआईए की टीम पहुंची थी वो उसी के कहने पे बोला, मीना जॉर्ज के कहने पे ही किया गया था। और आपको बता दूं कि मीना जॉर्ज जो है सचिन वजे के साथ में इसका कई जगहों पे, इसके साथ में इसका बैंक अकाउंट भी है, इसके एक दोनों का एक ही नाम है, और साथ में ही पार्टनरशिप में, मतलब इनका दोनों का बैंक है, और साथ में ही जो भी पैसे का जो मैनेजमेंट किया जाता था, जो ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट करना था, वो सारा का सारा काम यही मीना जॉर्ज करती थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट आ रही है सचिन वजे को लेकर कि सचिन वजे ने गेम बहुत ही मास्टरमाइंड वाला खेला था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मीना जॉर्ज की वजह से फंस गया। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।